नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं के चरण स्पर्श कर मन ही मन जिंदगी में आगे बढ़ने और स्वस्थ रहने और अपनी जो भी मनोकामना उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक मात्र प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को जरूर देखा होगा, और वे हमेशा विराजमान मुद्रा में क्यों बैठे रहते हैं, इनके पैर के दर्शन हम क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए, सूर्य देव की ऊर्जा से सभी परिचित है, क्योंकि उनकी ऊर्जा से ही पूरा संसार चलता है। इतना ही नहीं, इनकी किरणों में विटामिन डी भी मौजूद होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद भी है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की एक कहानी। देखिए, सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ संपन्न हुआ, जिनमें उनकी 3 संतान यमुना, वैवस्थ, मनु और यम का जन्म हुआ। सूर्यदेव के तेज प्रताप के कारण उनकी पत्नी उनके पास कम ही रुका करती थी। इसी कारण वह अपनी छाया उत्पन्न कर स्वयं वहां से चली गई। कुछ समय पश्चात सूर्यदेव को अपनी पत्नी और बच्चों के स्वभाव में अंतर लगा, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से तेज प्रभाव को कम करने की प्रार्थना की। इस पर विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु जी का दिव्य चक्र, शिव जी का अमोघ त्रिशूल, यमराज का दंड, कार्तिकेय की अद्भुत शक्ति और कुबेर की शिविका का निर्माण कर सूर्यदेव के तेज प्रभाव को हराद कर घुमाया, जिसके कारण उनके पूरे शरीर का तेज प्रभाव तो कम हो गया, लेकिन पैरों का तेज प्रभाव पहले जैसे रहा। इसी कारण सूर्यदेव की प्रतिमा में चरणों की पूजा नहीं की जाती है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी के साथ आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। कोरोना की त्रासदी के बाद हम सब ने देखा है कि लगभग ज्यादातर समय हमारा मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में ग्रस्त हो चुका है। एक अज्ञात भय सताता है कि कब न जाने कौन सा रोग हमें हो जाए, और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन चरम पर है। लेकिन अब आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हम आपके नाम से अभिमंत्रित करेंगे अभेद महामृत्युंजय कवच, जिसे धारण करके न केवल आप मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन, यश, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। अब आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा, क्योंकि आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। महाशिवरात्रि पर इसे प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और फोटो हमें अवश्य भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके नाम से उस कवच को सिद्ध करके आपके ही घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो देर किस बात की, बोलिए ओम नमः शिवाय और भेजिए अपनी जानकारी